नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। इसमें कह रहा है टू चार्जेज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट से ए बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दो कोई चार्ज दे रखे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, और इसका 2 माइक्रोकूलम और ये होता है -2 माइक्रोकूलम दे रखा है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा 6 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। तो इनके इस पे अपने को क्या फाइंड करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एक तो ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, इस सरफेसेस के हर पॉइंट परपेंडिकुलर होगी और इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। क्यों होगा, देखो वी आर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। तो यहां पे दो चार्ज के कारण, देखो इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, देखो टोटल पोटेंशियल वी प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, ठीक है, आर, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, ये भी आर है ये भी आर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, ठीक है, दोनों का वो है ना, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, इसके कारण भी ये और जो ये सेकंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमेशा याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन होगी, ऐसे डायरेक्शन होगी, क्लियर। और अगर और भी देखना चाहो आप, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो देखो ऐसी बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये होगी, क्लियर, ठीक है। इसी तरह ऐसे बनेंगे इसके इसके ऊपर भी ऐसे, थोड़ा इधर करते हुए बनाना इसको, ठीक है, इस तरह की पोटेंशियल सर्फेसेस बनेगी, क्लियर हो। और डायरेक्शन तो बता ही दिया, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है।